हे गाइस वेलकम दोस्तों, Realme 9 सीरीज का Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट फीचर्स लीक हो चुके हैं। साथ में दोस्तों इस फोन का रेंडर भी निकल के आ चुका है कि ये स्मार्टफोन दिखने में कैसा होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में भी आइडिया आ चुका है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, क्या प्राइस पॉइंट पर ये आएगा और कब तक आपको ये मिलने वाला है, तो फुल एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों स्मार्ट प्रिक्स करके एक टिपस्टर हैं जिन्होंने दोस्तों ऑनलीक्स के साथ पार्टनरशिप करके Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन का जो रेंडर है वो लीक किया है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन का डिजाइन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों देखा जाए तो इस फोन का जो डिजाइन है वो बाकी के स्मार्टफोन से ना Realme GT 2 Pro, Realme GT Neo 2, Realme 9i इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। वहाँ पर दोस्तों डुअल LED फ्लैश थे, यहाँ पर एक LED फ्लैश को कम किया गया है, बाकी जो कैमरा बम्प है उसको थोड़ा सा चौड़ा किया गया है। बाकी दोस्तों ओवरऑल डिजाइन जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, तो डिफरेंट आपको कुछ भी नहीं मिलता है, डिजाइन आपको सेम देखने को मिलेगा बैक और फ्रंट साइड का। दोस्तों बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन ही मिलने वाला है, एक्चुअल में प्लास्टिक का डिजाइन होगा जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आएगा। ट्रिपल कैमरास होंगे, LED फ्लैश होगी और नीचे की तरफ Realme की ब्रांडिंग दी जाएगी। प्लास्टिक का फ्रेम होगा, इनसाइड पंचोल डिस्प्ले डिजाइन के साथ ही आएगा। इससे पहले लीक्स निकल के आई थी कि सेंटर पंचोल होगा, बट गाइस अब निकल के आ रहा है कि ये इनसाइड पंचोल डिस्प्ले डिजाइन के साथ आएगा। दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इस फोन में आपको 6.59 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इसमें दोस्तों अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन में दोस्तों निकल के आ रहा है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट ऑफर किया जाएगा। जी हाँ, इस फोन में स्नैपड्रैगन 695 ऑफर हो सकता है जो कि दोस्तों 5G के साथ तो आता ही है, 6nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। मतलब दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और गेमिंग एक्सपीरियंस आपका काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है जिस प्राइस पर आएगा ना उस पर। दोस्तों ये स्मार्टफोन स्टार्ट होगा 6GB प्लस 128GB से। इसके अलावा आपको एक और वेरिएंट मिलेगा 8GB 128GB जो कि लीक किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन के अंदर आपको SD कार्ड एक्सपेंड करने के लिए स्लॉट भी दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिले या फिर हो सकता है कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिले, बट इन दोनों में से आपको कोई एक स्लॉट दिया जाएगा जिसमें आप लोग इजीली SD कार्ड को एक्सपेंड कर पाओगे। दोस्तों इस फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स होगा, जहां पर दोस्तों Realme UI 2.0 का वर्जन मिलेगा। हालांकि दोस्तों लॉन्च होने के कुछ ही टाइम बाद आपको एंड्रॉयड 12 विद Realme UI 3.0 का रोल आउट देखने को मिल जाएगा, जो कि खुद Realme ने Realme UI 3.0 के चार्ट को रिवील किया था जिसमें इन दोनों स्मार्टफोन को मेंशन किया गया था, 9 Pro एंड 9 Pro Plus, तो इनके अंदर आपको जल्दी रोल आउट मिल जाएगा Realme UI 3.0 का। दोस्तों कैमरास की बात करूं तो इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जो प्राइमरी लेंस है वो गाइस 64 मेगापिक्सल का होने वाला है जो कि सोनी के लेंस के साथ आएगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, देन 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया जाएगा। सेल्फी के लिए दोस्तों 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी दी जाएगी। गाइस बैटरी की बात करूं तो इस फोन में 5000 mAh की बैटरी होगी और अकॉर्डिंग टू लीक्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग दी जाएगी, बट दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको 33 वॉट का चार्जर मिलेगा। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इस फोन में 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है कि Realme 9 के अंदर 33 वॉट मिल जाए और जो टॉप वेरिएंट्स हैं उनमें आपको फास्ट चार्जिंग 65 वॉट की मिले, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखना होगा कि एक्चुअल में 33 वॉट ही मिलता है या 65 वॉट मिलता है। दोस्तों इसमें टाइप सी पोर्ट होगा, 3.5mm का जैक, फेस अनलॉक, ये सब फीचर्स मिल जाएंगे। दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग की। तो गाइस इस फोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है गाइस अंडर 20,000। जी हाँ, 20,000 से नीचे आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस परफॉर्मेंस पर मोटो G71 आपको 19,000 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 19,000 या फिर 20,000 रुपये में आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में मिल जाएगा।
बाकी दोस्तों आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपके हिसाब से किस प्राइस पॉइंट पर ये इंडिया में आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों लॉन्च डेट की बात करूं तो ये स्मार्टफोन आपको लास्ट जनवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।